चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुमा केसरी। जीवन खुशहाल होगा उसके बच्चे खुशहाल होंगे, हर श्रमिक खुशहाल होगा उसके बच्चे खुशहाल होंगे, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएंगे, जैसे हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। बहनों और भाइयों, और जब आत्मनिर्भर भारत होगा वही आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेगा। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के गुंडे मूर्ति के ऊपर चढ़ते हैं, मूर्ति में महाराणा प्रताप के आन मान शान के प्रतीक भाला को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मूर्ति को पवित्र करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्रनायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है। कभी कभी मुझे लगता है कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर डालने लग जाएंगे। लेकिन इनकी गफलत है, ये भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उनकी सेवा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है। और चुनाव परिणाम आएंगे, गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होती जाएगी। मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे रहे हैं, इसके लिए बहनों और भाइयों मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, जब मैं यहां आ रहा था तो मैं देख के भौचक था कि शाहजहांपुर एक ऐसा जिला है जहां लाड साहब का जुलूस भी निकलता है, और वहां पर ने लाड साहब के जुलूस का बड़ा अच्छे ढंग से स्वागत करते हैं, मैंने सुना है। और खन्ना जी कहीं भी हो लेकिन लाड साहब के जुलूस में भाग लेने के लिए जरूर आते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, अभी भी खुदागंज और अल्लाहगंज जैसे कस्बे भी यहां पर हैं, और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। मोदी जी ने कहा है ना, आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने पंच प्रण की बात की। पंच प्रण में गुलामी के अंशों को समाप्त करना और विरासत का सम्मान करना। हमें भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। भारत के विकास को हम लोग मन वचन कर्म से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और अपनी विरासत का सम्मान भी करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का हो, या फिर शाहजहांपुर में अमर शहीदों का भव्य म्यूजियम बनाने का कार्य हो, या फिर शाहजहांपुर के हनुमत धाम में विराट बजरंग बली की प्रतिमा को स्थापित करने का कार्य हो, ये सभी विरासत का सम्मान है। और बहनों और भाइयों, उसी विरासत के सम्मान के साथ जोड़ने के लिए आज
ठाकुर रोशन सिंह के इस पावन धरा पर, अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के इस पावन धरा पर आकर के इस धरा को नमन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबके आगमन के लिए भी आपका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं आज से लगभग 5 वर्ष पहले इस धरती पर आया था। मैं यहां आया था तब ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर एक महाविद्यालय के निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। बहनों और भाइयों, इन शहीदों के शौर्य और पराक्रम का, उनके त्याग और बलिदान का परिणाम है कि आज हम सबको आजादी मिली है। इस आजाद भारत में हम अपने अनुसार योजनाएं बना पा रहे हैं, बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को सम्मान मिल पा रहा है। कोई भेद नहीं है, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, सबको बराबर सम्मान प्राप्त हो रहा है। इन महानायकों के कारण आज भारत दुनिया का सिरमौर मोदी जी के नेतृत्व में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वह सपना जो हमारे शहीदों का था, जो बलिदानों का था, क्या कहा था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने? यही तो कहा था जब फांसी हो रही थी, जेलर ने पूछा था क्या अंतिम इच्छा है। लोग मानते हैं कि भाई किसी को अगर हम फांसी दे रहे हैं उससे पूछेंगे अंतिम इच्छा, वो कहेगा साहब मुझे छोड़ दो, वो एक बार माफ कर दो। उन्होंने कहा नहीं, हरगिज नहीं, मैं अंग्रेजों से माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा था मुझे तो एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा है मेरी कि मैं बार बार भारत की धरती पर जन्म लूं और जब भी मेरा जन्म हो वह मातृभूमि के लिए समर्पण का हो, मातृभूमि के लिए बलिदान का हो। यही तो कहा था रामप्रसाद बिस्मिल ने। इसी बात को लेकर के आज हम सब आपके पीछे आए हैं और यही ठाकुर रोशन सिंह ने कहा था, यही अशफाकउल्लाह खां ने कहा था। बहनों और भाइयों, एक तरफ इन क्रांतिकारियों का महाराणा प्रताप से, छत्रपति शिवाजी महाराज से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, मंगल पांडे हो, एक लंबा इतिहास है भारत की आजादी के इन नायकों का। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, मंगल पांडे हो, एक लंबा इतिहास है भारत की आजादी के इन नायकों का, जिन्होंने बिना रुके, बिना टिके, बिना थके और बिना अपने संकल्प से डिगे भारत की स्वाधीनता के लिए लोग लड़ते रहे, लगातार लड़ते रहे। जब लोग मानते थे कि अंग्रेजों के कार्यकाल में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन इनका संकल्प था कि हम अंग्रेजों का सूर्य अस्त करके रहेंगे और भारत के भी, भारत की स्वाधीनता का सूर्योदय होगा। और बहनों और भाइयों, आज उसी नए भारत में हम लोग जन्म लेकर के अपना कार्य कर रहे हैं। एक तरफ भारत के अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाली भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन। आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के गुंडे मूर्ति के ऊपर चढ़ते हैं, मूर्ति में महाराणा प्रताप के आन मान शान के प्रतीक भाला को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मूर्ति को पवित्र करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इन अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्रनायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है, नहीं करता है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के गुंडों ने भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी अपवित्र करने का प्रयास किया। बहनों और भाइयों,
अभी भी कभी कभी मुझे लगता है कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर डालने लग जाएंगे। लेकिन इनकी गफलत है, ये भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उनकी सेवा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है और चुनाव परिणाम आएंगे, गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होती जाएगी। बहनों और भाइयों, आज देश अपने आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर गया है और अमृत काल का संकल्प क्या है? विकसित भारत। क्या संकल्प है? विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर होगा, उसके हाथ को काम होगा। हर महिला आत्मनिर्भर होगी, उसके हाथ को कार्य होगा। हर किसान आत्मनिर्भर होगा, उसके हाथ को कार्य होगा और खुशहाल होगा। हर हस्तशिल्पी के हाथ को कार्य होगा, उसका जीवन खुशहाल होगा, उसके बच्चे खुशहाल होंगे। हर श्रमिक खुशहाल होगा, उसके बच्चे खुशहाल होंगे, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएंगे, जैसे हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। बहनों और भाइयों, और जब आत्मनिर्भर भारत होगा, वही आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेगा। और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने इस विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए हम देख रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में भारत बदला है। 10 वर्ष पहले की कल्पना करिए, क्या था भारत? नौजवान पलायन करता था, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूखों मरता था, बीमार चिकित्सा सुविधा के अभाव में मरता था, किसी के पास दवा नहीं है, किसी के पास दवा का पैसा नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं चिकित्सालय नहीं है। और आज नए भारत में हाईवे है, रेलवे है, एक्सप्रेसवे है। खन्ना जी और जितिन जी और हमारे विधायक गण तो एक्सप्रेसवे को इसी हरदोई इसी साझापुर होते हुए लेके जा रहे हैं और इस एक्सप्रेसवे में एक एयर स्ट्रिप भी बनने जा रहा है। अगर बाय चांस कभी किसी दुश्मन से युद्ध करना पड़े तो भारतीय वायुसेना के विमान इसी एक्सप्रेसवे पे उतर करके यहीं से फिर दुश्मन के देश पर हमला करने की तैयारी करेंगे। यही सांझापुर में होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा विकास के कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं। खन्ना जी भी नई योजनाओं को लेके आते हैं, जितिन प्रसाद जी नई योजनाओं को लेके आ जाते हैं, जेपीएस राठौर भी नई योजनाओं को लेके आते हैं, हमारे सांसद हमारे विधायक ये सभी लोग लग करके विकास की इस मुहिम को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नया उत्तर प्रदेश का नया सांझापुर भी आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, उसी नए भारत में दुनिया में सम्मान, राष्ट्रीय सुरक्षा पुख्ता। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाएगा ना तो पाकिस्तान सफाई देता कि भैया मेरा योगदान नहीं है, मैंने नहीं किया है, मैं नहीं किया हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि से मालूम होता उसको ये पता है कि अगर देर कर दिया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए फिर, क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए इस नए भारत में आज हम सब रह रहे हैं। गरीब कल्याणकारी योजना हुआ, देखो ना 80 करोड़ लोग फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा की सरकार के समय लोग भूख से मरते थे। 50 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुल गया है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीब घरों में
उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच गया है और हमने तो यूपी से भी व्यवस्था की है, होली और दीपावली में एक एक सिलेंडर भरा हुआ सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। 4 करोड़ गरीबों के मकान मिल गए और मोदी जी ने कहा है जितने भी गरीब हैं, जितने भी पात्र लोग हैं, जिनके घर में रसोई गैस का सिलेंडर नहीं है, उन सबको हम फ्री में सिलेंडर का कनेक्शन देंगे और जिनके घर नहीं उनको एक एक मकान भी उपलब्ध करवाएंगे। आप भी अपने तरीके से घोषणा करके आइए, मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके, योगी जी का प्रतिनिधि बन करके आप भी गांव गांव में बोल दीजिए, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान मिलेगा, आश्वस्त कर दीजिए। बहनों और भाइयों, जहां ये कार्य है वहीं साथ ही साथ अयोध्या में रामलला भी आ गए। कांग्रेस क्या कहती थी, कहते थे राम तो हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता। अरे कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या आए थे, आपने देखा होगा लाखों लोग उमड़े थे, लाखों लोग आए थे और सभी लोग मोदी जी का अभिवादन कर रहे थे और सभी लोगों के स्वर मुंह में एक ही स्वर था, वो सब लोग कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यही तो सांझापुर के अंदर भी है ना, यही तो सांझापुर में भी है ना, सांझापुर भी यही सोचता है। तो बहनों और भाइयों, रामलला अयोध्या में 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो गए हैं। भगवान राम ने अपनी इस बार होली भी मनाई और अपना जन्मदिन भी मनाया अयोध्या में, और जन्मदिन के दिन तो भगवान सूर्य ने प्रभु राम का सीधे सीधे सूर्य तिलक किया, यह भी दृश्य आपने देखा होगा। बहनों और भाइयों, हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है जिस शुभ कार्य को कई पीढ़ियां नहीं देख पाई, उस शुभ कार्य को हमारी पीढ़ी देख रही है, अपनी आंखों से देख रही है, महसूस कर रही है, उसके साथ सहभागी बन रही है, इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बहनों और भाइयों, इसीलिए तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि इस भारत वर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। और मुझे लगता है कि ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह का यह संकल्प आज साकार हो रहा है और उससे संकल्प करने के लिए आज हम आपके बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री अरुण कुमार सागर को फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतार के भेजा है। बहनों और भाइयों, वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला एक एक वोट ये सीधे मोदी जी के खाते में जाएगा, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने का मतलब दुनिया की ताकत के रूप में भरता हुआ भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ऐसा भारत जिसको कोई दुश्मन आंख नहीं दिखाएगा, और उस भारत के अंदर आपका भी सम्मान सुरक्षित होगा, आपके घर में भी समृद्धि आएगी, आपके यहां भी विकास होगा, और उसी के लिए हम लोग आए हैं। अरुण कुमार सागर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं निषाद पार्टी ने, राजभर पार्टी ने, अपना दल ने, राष्ट्रीय लोक दल ने भी ने अपना समर्थन दिया है। ये सभी लोग उनके साथ सहभागी बन रहे हैं। आप भी अरुण कुमार सागर को अपना आशीर्वाद देने को तैयार है ना, कमल चुनाव चिन्ह पर तैयार है? अरे जोर से बोलो सांझापुर वालों, सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, 13 मई को तो वोट स्वयं तो डालना पड़ेगा। हर व्यक्ति को दो दो परिवारों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी मतदान स्थल पर ले जाने की, ले जाएंगे। और अभी आपके लिए प्रचार का समय है, आज बहनों और भाइयों 6 मई हो गई, लगभग 6 दिन प्रचार के, इन 6 दिनों में आप कम से कम 4-4 घंटे देश के लिए,
कमल चुनाव चिन्ह का समर्थन मांगने के लिए क्या घर घर जाएंगे, मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के जाएंगे, अरुण सागर बनकर के जाएंगे, वोट मांगेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमें विकसित भारत बनाना है ना। तो बहनों और भाइयों, इसी के लिए मैं और हमारा पूरा मंच आपसे अपील कर रहा है, घर घर जाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने में साझापुर का योगदान होगा, इसके लिए अरुण सागर को यहां से जिता करके भेजेंगे।